कैन यू स्पीक ब्रोकन उर्दू? जी हाँ, थोड़ा 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 जी जी। हाँ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि इनका कहना है कि थोड़ा थोड़ा उर्दू बोल सकता है, तो क्यों ना इनकी वोट लगाई जाए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके बिल्कुल सामने ही सऊदी खातून भी बैठी हुई हैं, काफ़ी सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं, और वो सामने कुछ लड़के बैठे हुए हैं, ये भी अरबी ज़बान बोल रहे हैं। क्या आपका ये रेस्टोरेंट सिर्फ सऊदी अरेबिया के लोगों के लिए या यहाँ पर पाकिस्तानियों को भी अलाउ है? अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए अलाउ है, ऐसा कुछ नहीं। मोर देन 50 ब्रांचेज हैं हमारे ऑल द वर्ल्ड। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के F7 मरकज से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन ग्रामी, मेरे साथ एक खूबसूरत नौजवान जिनके चेहरे के ऊपर खूबसूरत सी दाढ़ी, सर के ऊपर लाल रुमाल और अरेबिक स्टाइल में आपको नज़र आ रहे हैं। आपका ख्याल होगा कि ये एक मॉडल है, आपका ख्याल सही है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये F7 मरकज इस्लामाबाद में इनकी धूम मची हुई है। यहाँ पर अरेबिक स्टाइल की कॉफ़ी, कहवा और अरेबिक खाने प्रोवाइड किए जाते। इस रेस्टोरेंट की ये क्वालिटी है कि यहाँ पर टोटली अरबी लोग आपको मिलेंगे, मगर अरबी लोगों के साथ साथ कुछ लोग हमें यहाँ पर पाकिस्तानी भी नज़र आ रहे हैं। आइए हम इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैफल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। कैन यू स्पीक ब्रोकन उर्दू? जी हाँ, थोड़ा 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 जी जी। हाँ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि इनका कहना है कि थोड़ा थोड़ा उर्दू बोल सकता है, तो क्यों ना इनकी वोट लगाई जाए। तो कैसे हैं आप, आपकी खूबसूरत सी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि किम्स है क्या? आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं, उर्दू में भी बता सकते हैं, एज़ वेल आप अरेबिक लैंग्वेज में भी। बेसिकली किम्स कॉफ़ी है कि ये हमारा स्पेशलिटी है, हम कॉफ़ी बीन खुद रोस्ट करते हैं। हमारा अरबिक कहवा जो है, अरबिक जो ट्रेडिशनल है, हम वो सऊदी से उठा के हमने यहाँ ले आया है। बेसिकली ये F7 मरकज़ में है, पहले हमारे दो ब्रांचेस थे, अभी हाल ही में एक ब्रांच हुआ है, अभी इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है लाहौर वगैरह में। हमारा बेसिकली ये है कि कॉफ़ी वगैरह हम एक्सपर्ट है उस पर, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कोल्ड ब्रू में। वाओ। तो उस हिसाब से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे, इवन सऊदीया वगैरह में भी मोर देन 50 ब्रांचेज हैं हमारे ऑल द वर्ल्ड। ज़बरदस्त। मुझे आप ये बताइएगा कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट होती हैं? हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, कॉफ़ी सबसे पहले हमारा है, उसके बाद हमारे पास ये है कि बर्गर्स वगैरह है, स्टेक वगैरह है, उन दोनों में बीफ और चिकन वगैरह है, बाकी हमारे पास पास्ता वगैरह है, बाकी भी काफ़ी आइटम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके बिल्कुल सामने ही सऊदी खातून भी बैठी हुई हैं, काफ़ी सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं, और वो सामने कुछ लड़के बैठे हुए हैं, ये भी अरबी ज़बान बोल रहे हैं। क्या आपका ये रेस्टोरेंट सिर्फ सऊदी अरेबिया के लोगों के लिए या यहाँ पर पाकिस्तानियों को भी अलाउ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए अलाउ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो फैमिलीज़ है, एम्बेसी वगैरह है, जो यहाँ पे जो वहाँ पे पैदा हो, पैदाइश उनका वहाँ पर है, यहाँ पे आए हुए, तो लोग अपना कल्चर, जैसे कि हम अपना फेस्टिवल वगैरह बनाते हैं या कोई बनाते हैं, तो हम अपना ट्रेडिशनल ले आते हैं, तो इस तरह हमने भी यहाँ सऊदीया से हमने यहाँ ब्रांच ले आया हुआ है किम्स कॉफ़ी का फ्रेंचाइज ले के, तो हम भी अपने कस्टमर वगैरह को हम यही सब कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें भी ये लगे कि हम भी अभी भी सऊदीया में हैं, उस फुल टेस्ट वगैरह सब कुछ हमारा सेम है, यानी कि हम अपने कस्टमर को फुल फैसिलिटी वगैरह कर रहे हैं कि हम हमारा जो कस्टमर है वो फुल रिटेनमेंट वगैरह हो के यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा, आपका ये भी दावा है कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है और हमारी ऑर्गेनिक कॉफ़ी होती है और हम जैसी कॉफ़ी कोई नहीं बना सकता, तो इस दावे की ख़ास वजह क्या है? दरअसल ये हमारा जो चैन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2014 से ये चालू हुआ है, तो ये तूनस में चालू हुआ था, उसके बाद फिर सऊदीया में आ गया 2018 में, तो उस हिसाब से तब से लेके अभी 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेस टू सक्सेस जा रहे हैं। हम अपने हिसाब से हम कस्टमर के लिए भी नए आइटम हम कर रहे हैं, और उसके साथ बाकी भी जो कॉफ़ी बीन्स है और जो कैप्सूल वगैरह है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में है ऑलरेडी, फैक्ट्री उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ऑलरेडी हो रहा है, तो हर कोई अपना वो कैप्सूल वगैरह लेके अपना घर में बना सकते हैं, इवन V60 कोल्ड ब्रू उसका भी रेडीमेड सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी सऊदीया में पहुँच गए, हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी ऑलमोस्ट थोड़े दिन में आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो हम कस्टमर को भी वो सेल वगैरह हम कर सकेंगे, कस्टमर खुद
सेम क्वांटिटी सब कुछ अपने घर में भी बना सकता है, ऐसा नहीं कि कॉफ़ी बीन कॉफ़ी में आना उनके उन्हें पड़ेगा यानी कि, तो अपने घरों में भी हमारा कॉफ़ी वगैरह वो लोग बना सकते हैं यानी कि। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की। मैं ये चाहूँगा कि आपके पास जितने किस्म की कॉफ़ीज़, कहवा या टी या फिर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, तो आप ज़रा एक सांस में हमारे देखने वालों को बताएं। सबसे पहले हमारे पास अरबिक कहवा है जो सऊदी का ट्रेडिशनल वगैरह वो है, तो उसके बाद हमारे पास कॉफ़ी वगैरह है जिसमें कैपेचिनो वगैरह बाकी है, और उसके साथ स्मूदी, मिल्क शेक और बाकी स्वीट वगैरह में भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ है, जैसे कि खशखश ये अरबिक स्वीट है। अच्छा। और बाकी हमारे पास बसबूसा है। अभी ये बसबूसा क्या है? बसबूसा ये बेसिकली होता है सूजी और बाकी आइटम्स के साथ बन के बेक में होता है, यानी बेकिंग आइटम में आता है। और बाकी कुनाफा है, कुनाफा भी वो ओवन में उसमें बनता है, वो भी बेक सिस्टम है उसका। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ हम अपने अपने एक एक चीज़ हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें महसूस करें कि आप लोग सऊदीया में हो, आप लोग अपने जगह में हो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा, इस किस्म के जो रेस्टोरेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कास्टली होते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो आपकी जो कॉफ़ी है वो कितने की है, आपकी ब्लैक टी कितने की है, और उससे हट के आपकी जो चाय है वो कितने की है? जी हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब जो भी आइटम्स वगैरह है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सस्ते हमने रखे हैं हर कस्टमर के लिए, ऐसा नहीं कि रिच के लिए अलग है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए एक नज़र से हम देखते हैं सबको है। तो उस हिसाब से हमने सब कुछ 190 उस हिसाब से 200-250 तक हमारा गाहवा अरबिक गाहवा और बाकी चीज़ है ब्लैक टी वगैरह उस हिसाब से। ज़बरदस्त। और आपकी जो ट्रेडिशनल अरबिक गावा वो जो है ना 1% के लिए ओनली सिंगल पीस कितने का है? वो सिंगल पीस के लिए वो है तकरीबन 200 रुपये का है बस। जी ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, इतना ख़र्चा तो मैं घर बनाते हुए भी आ जाता है। जी जी लेकिन हम अपने कस्टमर वगैरह को यही प्रोवाइड करें, बहुत लोग है वो अपना वो दल्ला जो जिसको कहते हैं जिसमें कॉफ़ी आता है वो हर कोई परचेस नहीं कर सकता है, यानी कि वो दरअसल में वो होता है 5-6 लोगों के लिए, तो उस हिसाब से बहुत लोग है कि जो नए ट्राई कर रहे हैं, और बहुत लोग है कि जिन लोगों ने ट्राई किया हुआ है लेकिन वो लोग थोड़ा पीना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उनके लिए भी हम पर कप भी हम सर्व करते हैं। आपको पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज आप सबको इंग्लिश में दें, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द किम्स? Actually, Kim's is Saudi Arabia brand that we bring in Pakistan. Wow. And it's first was two branches, now we have only one branch. So alhamdulillah we have a good response with customer, and nowadays we alhamdulillah serving as well as food, that is a steak and burgers with meat and chicken, and we have a pasta and more other things. नाज़रीन ग्रामी ये थे आदल जो कि इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, अरबिक स्टाइल की प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। इनका ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ सऊदी अरेबियंस ही नहीं आते, यहाँ पर पाकिस्तानी भी आ सकते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी जब मैंने इनके रेट्स देखे तो मैं हैरान हो गया, एक बंदे को अगर ये ब्लैक कॉफ़ी सर्व करते हैं तो वो 200 रुपीज़ के भी अंदर है, अगर 5-6 दोस्त यहाँ पर आकर कॉफ़ी पीते हैं तो हार्डली 700-800 रुपीज़ देकर 5-6 लोग या एक आध दोस्त अगर उनका एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो वो कवर हो जाता है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद आए हैं तो एक बार आप किम्स का रुख कीजिए और अरबिक कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए। कैसी लगी आपको आज की मेरी ये स्टोरी, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टॉप लीडिंग उर्दू F7 इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।